नमस्कार, जीरा सर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आपको बताएं, बूंदी के नैनवा का बहुत चर्चित विनायक नगर घोटाला, घोटाले की जांच कर रही एसीबी ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तत्कालीन नगर पालिका यो भवर चौधरी, कानूनगो छोटूलाल पटवारी महावीर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तत्कालीन चेयरमैन रुक्मणी नागर मौके से फरार है। एसीबी आज आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। नैनवा में मिले भगत कर अवैध कॉलोनी काटने का यह मामला था। नगर पालिका और राजस्व विभाग ने इस पर मिली भगत की थी और उसके बाद जब जांच का दायरा आगे बढ़ा तो कई नाम सामने आए। कानून को छोटूलाल पटवारी समेत तमाम लोग जो तत्कालीन चेयरमैन हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। संदीप व्यास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। संदीप, आज कोर्ट में पेशी होनी है, क्या कुछ आधार है और कितने लोगों को इसमें नामजद किया गया था और कितने लोग जो है अभी आज कोर्ट में पेश होने वाले? सबसे पहले बड़ा अपडेट ये बता दूं कि आज से 15 साल पहले नैनवा जो उपखंड है वहाँ पे जो सरकारी जमीन थी और नगर पालिका की जो भूमि थी उसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मिलके और न्याय चेयरमैन के साथ मिलके और इस भूमि पे प्लाट काट दिए थे और करोड़ों रुपए की राजस्व हानि की थी। इसी मामले में जो न्यायालय एसीबी में मामला दर्ज हुआ था तभी से जांच प्रकरण चल रहा था। कल जो तत्कालीन चेयरमैन है रुक्मणी नागर उसके यहाँ पे रेड डाली गई लेकिन वो फरार हो गई और एसीबी के अधिकारियों ने मौके से वहाँ पे ईओ भवनलाल चौधरी, कानून को छोटूलाल, पटवारी महावीर को गिरफ्तार किया है ऐसी जानकारी आई है और जिन तीनों को आज कोटा न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह बहुत चर्चित मामला था। अभी फिलहाल जो चेयरमैन है तत्कालीन चेयरमैन रुक्मणी नागर उनके पति नगर पालिका नैनवा में पार्षद भी हैं और मामले का इतना घोटाला हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए की हानि हुई थी। आज तीनों को कोटा एसीबी न्यायालय में पेश किया जाएगा, हो सकता है इनसे रिमांड लिया जाए और अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।